मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हेलो आनंद जी पांडे जी बहन सरोज पांडे जी मोदी का मित्रा को लाई मोदी का बेमित्रा से बेमित्रा विधानसभा के उम्मीदवार श्रीमान अवधेश चंदेल जी साजा के उम्मीदवार हम सबके साजा मित्र लालचंद बाफना जी नवागढ़ के उम्मीदवार हम सबके परखे हुए श्रीमान दयालदास बघेल जी मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए बेमेतरा के नागरिक भाइयों और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ में बहुत बार आया हूं। यहां के सभी जिलों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। भूतकाल में तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, संगठन का काम करता था, लेकिन बेमेतरा जिला नया बनने के बाद मैं आज पहली बार आया। ये नया जिले का निर्माण के लिए मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का, यहां के हमारे पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने विकास के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसके कारण इस जिले के विकास पर विशेष ध्यान दे पाएंगे और जिलों के साथ विकास की तेज गति में वो अपना स्थान बनाएगा और इसलिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव में मुझे छत्तीसगढ़ आने का सौभाग्य मिला था। आज मैं दूसरे चरण के क्षेत्रों के लिए आया। पहले चरण का मतदान जहां हुआ वहां माओवादियों ने ललकार किया था, मतदान करने वालों को मौत के घाट उतारने की धमकियां दी थी। अपना काम होंगे तो बस। भाइयों बहनों, पूरे विश्व में लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों ने छत्तीसगढ़ के ये पहले चरण के मतदान को बड़े गौरव के साथ देखने की आवश्यकता है। मेरा आदिवासी भाई माओवाद के धमकियां, बम बंदूक और पिस्तौल की राजनीति, इसके बावजूद भी लोकतंत्र में अपार श्रद्धा रखते हुए 75% करीब करीब मतदान करके लोकतंत्र की ताकत का परिचय दिलाया है। मैं उन सभी मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को, उस क्षेत्र में वे सभी भाई मतदाता भाइयों बहनों को मैं अंतःकरण पूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, पहले चरण के मतदान में
सुरक्षा बल के कुल जवानों को माओवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, पोलिंग पार्टी के कुछ सदस्यों को मार दिया, कुछ लोग आज भी अस्पताल में घायल हैं। ये माओवादियों ने हमला बोल करके जिन्हें मौत के घाट उतारा है, वे न सिर्फ सुरक्षा बल हैं लेकिन वे लोकतंत्र के रक्षक हैं। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, मेरे और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया है। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, आदरपूर्वक अंजलि देता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया है। मैं भारत के इलेक्शन कमीशन से आज अनुरोध करना चाहता हूं, क्या कुछ काम हमारा इलेक्शन कमीशन कर सकता है क्या? जैसे उनकी वेबसाइट पर एक विशेष प्रकार का चैप्टर शुरू किया जाए और जिसमें लोकतंत्र को आबाद रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जो बलिदान दे रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर रख करके उन शहीदों का हमेशा स्मरण हो, देश और दुनिया उसको देखें, उसका प्रबंध करना चाहिए। दूसरा मेरा इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि हर वर्ष 24 या 25 जनवरी को भारत का चुनाव आयोग एक बहुत अच्छा काम करता है, चुनावी प्रक्रियाओं को अच्छे ढंग से चलाने वाले लोगों का सम्मान होता है, मतदाता दिवस के रूप में बड़े गौरव के साथ इसको मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छी शुभ शुरुआत की है। मैं आज उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ये जो अवसर का महात्म्य देखते हुए उसे मनाते हैं, क्या आने वाले दिनों में साल भर में लोकतंत्र के लिए, चुनाव प्रक्रिया के लिए जो जो शहीद हुए हैं उस दिन उनके परिवारजनों को बुलाकर के ये लोकतंत्र रक्षकों का मरणोत्तर सम्मान करने का प्रारंभ करना चाहिए, उनको विशेष अवार्ड देना चाहिए, ताकि देश में जितना महत्व मत देना है, जितना महत्व चुनाव जीतना है उससे भी ज्यादा महत्व लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने जी जान की बाजी लगाना है, ड्यूटी पर रहकर के काम करना, ये उससे भी बड़ा काम। और इसलिए प्रथम चरण के मतदान के बाद जब आज पहली बार आया हूं तो मैं इस पूरी प्रक्रिया को करने वाले सभी का गौरव करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और फिर एक बार शहीदों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह
आपके साथ धोखा कर रही है। ये चुनाव कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता के आंख में धूल झोंकने वाला चुनाव बना दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने वाला चुनाव बना दिया है। छत्तीसगढ़ के अखबार, छत्तीसगढ़ के मीडिया, छत्तीसगढ़ के जागरूक नागरिक, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल बार बार पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी घोषित करे उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। मैं हैरान हूं अगर कांग्रेस के लोगों का स्टिंग ऑपरेशन करो, प्राइवेटली पूछो तो वो नाम देते हैं अजीत जोगी का। ऐसी क्या बात है कि इस नाम को छुपा के रखे हो? ऐसी वो कौन सा रहस्य है कि आपको उस नाम को घोषित करने से चुनाव हारने का डर क्यों लग रहा है? वो कौन सी पाप की कथाएं हैं आप बताने के लिए तैयार नहीं है? ये पिछले दरवाजे से घुसने का खेल क्यों खेला जा रहा है? लोकतंत्र खुली किताब होता है। हमारी पार्टी ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी नेतृत्व करेंगे, हमारी पार्टी ने कहा ये हमारे उम्मीदवार होंगे। बहने आप जवाब देंगे? जरा जोर से जवाब देंगे। ढीला ढीला बोलोगे तो बात चलेगा नहीं। ऐसी आवाज निकालो कि धान की कटाई का काम चल रहा है, खेत में काम कर रहा है मेरा किसान भी, जोरों से करना चाहिए। अच्छा हो तो भी करना चाहिए, बुरा हो तो भी करना चाहिए, पापी हो तो भी करना चाहिए, सच सच लोगों को बताना चाहिए। घबरा रहे हैं आप, कितना ही नाम छुपाइए लेकिन आपका कच्चा चिट्ठा छत्तीसगढ़ के एक एक बच्चे के पास है। और इसलिए ये धोखाधड़ी का मामला छत्तीसगढ़ी को काम नहीं आएगा, ये समझ के चलिए। एक तरफ के सम्मान का विषय है भाइयों बहनों। आजकल दिल्ली से काफी लोग आपके हाथ पे, मैडम आई थी, आजादे आए थे, और मैं हैरान हूं भैया क्या आप बीफ का कटोरा लेके खड़े हैं क्या? जरा जवाब दीजिए मुझे, क्या आप बीफ का कटोरा खड़ा लेकर के खड़े हैं क्या? ये दिल्ली वाले आकर के बीफ की बातें करते हैं आपको मंजूर है क्या? यह आपका अपमान है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के सैनिकों को, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? और मैं शाहजादे को पूछना चाहता हूं, ये पैसे दिए पैसे दिए पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं ये मामा के घर से लाए थे क्या? नाना मामा के घर से लाकर के दिया है क्या? ये हिंदुस्तान की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का आप अपमान कर रहे हो। आप मालिक नहीं हो, यह आपके दिमाग में जो अहंकार भरा पड़ा है, आप
यह देश इस अहंकार को कभी स्वीकार करने वाला नहीं। भाइयों बहनों, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान पर राज अभी कौन कर रहा है? जरा जोर से बोलिए, हिंदुस्तान में सरकार किसकी है ना? उनकी सरकार है ना? ये देश चलाने की जिम्मेवारी उनकी है? ये देश का भला करने की जिम्मेवारी उनकी है ना? पक्का? अच्छा मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में है? जोर से बोलो, उनको पता चले छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में है? कांग्रेस वाले एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचा, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में आपका राज है, तो क्या छत्तीसगढ़ को बचाने की जिम्मेवारी है कि नहीं है भाई? तो अब क्या लाना है? इसका मतलब आपने दिल्ली में बैठ करके भी कभी छत्तीसगढ़ को अपना नहीं माना है। आज छत्तीसगढ़ की आंख में धूल झोंक रहे हो और इसलिए आज आपको इस प्रकार के तर्क देने पड़ रहे हैं, इसलिए आज आपको ऐसा एडवर्टाइजमेंट देना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने में मशहूर है। वो वादे आते हैं कि नहीं आते मुझे मालूम नहीं है, अगर आते हैं तो जरा एक सवाल उनको पूछिए, पूछोगे? ये कांग्रेस के लोग वोट मांगने आए तो उनको एक सवाल पूछोगे? उनको इतना पूछो, अभी कह रहे हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम दिखना देंगे, हम फलाना देंगे, उनको पूछो हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकारें कहां कहां पर है? महाराष्ट्र में है, आंध्र में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है ना? हाँ? क्या वहां वो चावल मुफ्त में देते हैं क्या? जरा बताओ ना, देते हैं क्या? पहले वहां तो शुरू करो भाई, वहां की जनता ने तो तुम्हें सरकार दे रही है, यहां झूठे वादे क्यों करते हो भाई? ये हमें मूर्ख क्यों बना रहे हो? पूछोगे उनको? अरे जहां तुम्हारे जनता ने सरकार बना के दी है, तुम्हें वहां राजगद्दी दी है, पहले उनका तो कुछ करो, बाद में हमें दिए दिखाओ। नहीं करते, वो कहते हैं हम 24 घंटे बिजली देंगे, कहते हैं ना, विवादे करते हैं ना, अरे मेरे से बात करो प्यारे, बातें करते हैं ऐसी, ये झूठी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की हिंदुस्तान में जितनी सरकारें हैं, एक सरकार है क्या मैडम जी बैठी हैं, जहां शहजादे बैठे हैं? अरे आपके घर में भी 24 घंटे बिजली आती है क्या? किसी कांग्रेसी राज्य में 24 घंटे बिजली आती है क्या? ये पूछोगे? भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है, वहां गांव में हर घर में 24 घंटे बिजली देते हैं, 24 घंटे बिजली देते। अगर आप में कोई दम हो मैडम, आप बीमार हैं, तो आपके बेटे को काम दो, जरा करके दिखाएं। एक राज्य, कांग्रेस का एक राज्य, ज्यादा नहीं, एक राज्य में 24 घंटे बिजली देकर के दिखाओ, और फिर छत्तीसगढ़ के लोगों को ये नई नई बातें बताओ, वरना ये झूठी बातें बताने का आपको अधिकार नहीं बनता। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई कम करे थे ऐसा वादा किया था, 2009 के लोकसभा के चुनाव में मैडम सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, अगर वो लोकसभा में दिल्ली में सरकार बनाएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे ऐसा वादा किया था। जोर से बोलो, किया था? किया था?
महंगाई घटी, महंगाई रुकी, महंगाई बढ़ी, ये वादा खिलाफी है, ये उन्होंने झूठा वादा दिया था। अरे मैडम सोनिया जी, अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, आपने गरीब की थाली से रोटी छीन ली है। आपने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, आप लगातार यहां चुनाव भाषण करने आ रहे हो, डॉक्टर रमन सिंह को गाली सुना के जा रहे हो, लेकिन अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे हो। हिंदुस्तान की जनता आपसे हिसाब मांगती है, महंगाई का क्यों कारण है, क्या कारण है महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आपके वादे का क्या हुआ, हम जवाब मांगते हैं आपसे। इतना ही नहीं भाई, ये गरीब की मजाक उड़ाते हैं, मजाक मखौल उड़ाते हैं। जिस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, भारत सरकार मैडम सोनिया जी आपकी सरकार, वो ये कहती है कि अगर गांव में आप 26 रुपये रोज की कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। यानी आपके घर में 5 लोग रहते हैं और रोज के अगर घर में आमदनी 26 रुपया है तो ये मैडम सोनिया जी की सरकार कहती है आप गरीब नहीं है, आप अमीर हो गए। ये आप मानते हो भाई? मैडम मानते हो? मुझे बताओ भाई, 26 रुपये में कितना प्याज आएगा, ये मुझे बताओ, 26 रुपये में कितना प्याज आएगा? 26 रुपये में मुश्किल से 300 ग्राम प्याज आएगा, 300 ग्राम। आप मुझे बताइए, जिसके घर में 300 ग्राम प्याज खरीदने की ताकत है वो हमारी मैडम सोनिया जी के लिए अमीर है, अमीर। ये गरीब के पेट पर लात मारने वाले लोग, ये गरीब के घर गांव पर नमक छिड़कने वाले लोग, ये लोगों को गरीब 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 कह करके वोट बटोरने वाले लोग, भाइयों बहनों, उनके लिए गरीब इंसान नहीं है, उनके लिए गरीब ये सिर्फ एक वोट का टुकड़ा है, सिर्फ वोट के लिए वो गरीब को याद करते हैं, वरना इस देश में गरीबों का ही हाल ना होता। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ नेता बोल चुके हैं, छत्तीसगढ़ की तारीफ कर चुके हैं, राष्ट्रपति कर चुके हैं, प्रधानमंत्री कर चुके हैं, वित्त मंत्री कर चुके हैं, हर एक ने अपने अपने तरीके से की है। और आज मैडम सोनिया जी आप छत्तीसगढ़ की आलोचना कर रही हो, मतदाताओं को भ्रमित कर रही हो। अरे कम से कम मैडम सोनिया जी थोड़ा होमवर्क करके तो आइए, थोड़ा होमवर्क तो करिए आइए। आपकी सरकार के लोगों ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या कहा है, आपके प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को कितने बड़े बड़े अवार्ड दिए हैं, आपकी दिल्ली की सरकार ने छत्तीसगढ़ का कहां कहां सम्मान किया है, जरा पढ़ करके तो आइए और उसके बाद कुछ बोलिए। भाइयों बहनों, आज छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण कालखंड से गुजर रहा है, उसका बहुत महत्व है। आप देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया है। एक तरफ माओवाद नक्सलवाद, एक तरफ माओवाद नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ को तबाह करने पर तुला हुआ है, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार
माओवाद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने का उसमें हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है। उसके दोस्ती की भाषा बोलते रहते हैं और पिछले दरवाजे से उनके साथ समझौता करके के चलने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, रमन सिंह उसके खिलाफ पहाड़ की तरह खड़े हैं, ताकत के साथ। छत्तीसगढ़ के निर्दोष लोगों को बचाने के लिए जो भी संसाधन उनके पास है उसको लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की कोई मदद के बिना वो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में ऐसी सरकार है जो छत्तीसगढ़ का भला देखने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि जितना जल्दी छत्तीसगढ़ बर्बाद हो ऐसे ही कुछ करो ताकि उनकी सरकार आ जाए। क्या सरकार के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को दंडित करोगे क्या? क्या छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताती है इसलिए यहां के विकास के अंदर रोड़े अटकाओगे? भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की जनता को मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर रमन सिंह को मैं बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली में 10 साल से रोड़े अटकाए वाली सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने प्रगति की बागडोर संभाली, प्रगति की यात्रा को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, अब बुरे दिन जाने के दिन आ गए हैं। ये 10 साल का कठिन समय जो दिल्ली की सरकार के कारण छत्तीसगढ़ को परेशानियां झेलने पड़ी उसका भी अब अंत आने वाला है। 2014 में दिल्ली में सरकार बदलने वाली है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ को 10 साल विपरीत परिस्थिति में काम करना पड़ा है। अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हो रमन सिंह जी की और दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, दोनों की मदद मिले, आप कल्पना कीजिए कितनी तेजी से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैं कहने आया हूं, इस बार कोई गलती मत करना। अब तो आपको फायदा है, यहां भी आपकी सरकार होगी, दिल्ली में भी आपकी सरकार होगी, आपका भला करने वाली सरकार बनने वाली है। और इसलिए मैं कहता हूं, अब विकास की संभावनाएं बढ़ने वाली है। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप 2014 में जब दिल्ली में नई सरकार आ रही है, देश की जनता ने फैसला कर लिया है, इस सरकार को, दिल्ली की सरकार को निकालने का फैसला हो चुका है जनता के मन में। और इसीलिए तो सारे ओपिनियन पोल पर रोक लगा रहे हैं। कितने डरे हुए हैं जी, कितने डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री का नाम डरने में डर लगता है, ओपिनियन पोल आ जाए उसमें डर लगता है। ये डरे हुए लोग, ये सहमे हुए लोग, ये चुनाव से घबरा रहे लोग, ये सत्ता जाने वाली है उसके कारण भयभीत हुए लोग आजकल बड़ी अनाप शनाप बातें करने लगे हैं। जो भी सरकार में होती है उसका एक ही मंत्र होता है, विकास। हमें विकास करना है, हमें गरीबों की भलाई करनी है, हमें किसानों के कल्याण के लिए काम करना है, इसलिए काम करना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, गांव गरीब किसान की भलाई